चल रही है अग्नि कुंड घूमन, और ये थोड़े थोड़ा सा हम खाना नाश्ता पानी कर रहे हैं। अब हमारे जो अग्नि कुंड है वो रह गया 10 किलोमीटर, बाकी की अदर वीडियो आपको वहीं जाएगा भेजते हैं। अब ये हमारी पहाड़ों से चुनौती है, जरा अब हम इस पर आगे की ओर बढ़ने के लिए चल रहे हैं, देखते हैं कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करते हुए हम यहाँ पर आज हरपतपुर में के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो क्या सुंदर नज़ारा है, और मतलब बिल्कुल पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश की हम सीमा में हैं फिलहाल, और ये पहाड़ पानी ऐसे आता है यहाँ से, और ये देख पा रहे हो हमारी बाइक खड़ी है, और हम मैं तो राहुल, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरने वाली? डरूंगा नहीं। अब हम धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और हम ऊपर अंतिम चरण में आ रहे हैं। मोहित तुम क्या कर रहे हो? जरा ये देखे राहुल अंगड़ाइया तोड़ने लगा है, क्योंकि राहुल जी अब थक गया है, राहुल थकन महसूस कर रहा है। ये जितना भी खाली मैदान दिख रहा है, ये देखो मोहित क्या कर रहा है, कीड़े को ढूंढ रहा है। अब मोहित पहाड़ों का पानी से एंजॉय कर रहा है, ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से। ये देखो इस पानी की कोई खोज नहीं हुई है, कहाँ से आता है, क्यों आता है। अब जो है मोहित पता नहीं पानी पुनी का कहाँ से क्या कर रहा है, और जितना भी ये खाली मैदान आपको सब चमक रहा है, इधर हिमाचल प्रदेश की सीमा है, इधर हरियाणा की सीमा है, और इधर की साइड में यूपी की सीमा है, मतलब तीन राज्यों की सीमा यहीं पर ही है। अब हम थोड़ा सा अपने पड़ाव को आगे की ओर रखते हुए झुंड झाड़ से निकलते हुए, राहुल हमें लगता है ये ट्रक हमारी उसमें आ जाएगा, ये बाइक बच जाएगी क्या भैया? हाँ ये हमारी बाइक बच गई है। अब हम थोड़ा और झाड़ों झूड़ों में से निकल के आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो मोहित कह रहा है देखो हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, ये देखो पानी, ये देखो पानी की लहरें जो ऐसे निकल रही है, और हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ये देखो पानी, ए अब मैं आपको अंतिम सिरे तक लेके जाऊंगा, भले यहाँ पे सिरे तक कुछ भी आ जाए हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम भाग भी नहीं सकते। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगने लगा है, क्योंकि रास्ता बहुत ही आगे दुर्गम और ख़तरनाक है। अब ये देखिए जरा इधर पानी हो भी आगे से है, यदि हम पानी की खोज करने के लिए जाएंगे तो शायद हम, हाँ चाबी मेरे पास है, अंतिम चरण में जा सकते हैं, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हमें आगे जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो सफ़र बहुत लंबा है और रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है। अब हम जैसे कि आगे आ चुके हैं थोड़ा और हिमाचल की साइड में बढ़ते हुए, और ये देखो ये जो है ये गिल पावर हाउस पे जा रही है, मतलब ये नदी, मतलब यहाँ से बिजली बनती है, और हम जैसे ही थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि एक झरना, वो भी इतना खूबसूरत, इतना है ओके इतना अच्छा, देखो जैसे कि झरना आप देख पा रहे हो कितना अच्छा, कितना सुंदर नज़ारा है, और ये देखो पहाड़ों के बीच से सभी झरना कैसे निकल रहा है। देखे अब हम झरने की ओर आगे बढ़ते हैं, हम बाइक की चाबी निकाल लें, और बाइक की चाबी निकालने के बाद अब हम थोड़ा अपना झरने की साइड में प्रस्थान करते हैं। इतना अच्छा सुंदर नज़ारा हमने, मोहित मोहित क्या कंडीशन है, हमें आना चाहिए। ठीक है अब हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे झरने की ओर प्रस्थान करते हैं, और हम अब चल दिए, देखते हैं सोचेंगे क्या हमें इसके नीचे नहाना चाहिए या नहीं, ये हम आपको देखकर सोचकर बताएंगे। अब हम धीरे धीरे झरने की ओर अग्रसित हो चुके हैं। ओके ओके ये देखो कितना खतरनाक नज़ारा है, अगर आदमी फिसल गया तो समझो नीचे ही रुकेगा, आके बचने की कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, सारा टोटली पत्थर ही पत्थर है, और हम देखें कि झरने की धार इतनी तेज है कि वाकई सच में इतना सुंदर नज़ारा देखने को आज दिल गार्डन गार्डन हो गया बिल्कुल। ये देखें, और ये हमारा बिगड़ उस्ताद मोहित जो कि आगे बढ़ चुका है, ये देखें पहाड़ियाँ हैं, ये देखें कहीं से भी कुछ भी। ये देखें मोहित, अब मैं भी उतरने जा रहा हूँ नीचे, अब जरा धीरे धीरे, क्या हम गिर सकते हैं यहाँ से? नहीं गिरेंगे, देख लेंगे। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ये देखें अब हम तुम्हें बिल्कुल झरना नजदीक से दिखाएंगे। ये देखो हम हिमाचल प्रदेश की सीमा में हैं, और ये देखो पहाड़, आपको एक गुफा नजर आ रही होगी, इसके नीचे नीचे से ये पानी निकल रहा है उधर साइड में, और ये देखें अब हम थोड़ा ही झरने की खोज करेंगे कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, और हम इसके अंतिम चरण में जाएंगे और जरा हम इसको देखेंगे, इसके पानी के बारे में हम खोज करेंगे। जरा मैं 2-3 फोटो खींच लूं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऐसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अब आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, तो ये देखो यहाँ से ये वाटरफॉल गिर रहा है, और यहाँ पे देखो कितनी तेज़ धार है, और मैं आपको बता दूँ बिल्कुल बहुत ही ठंडा ठंडा और ठंडी धारें यहाँ पर आ रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल ही बहुत खतरनाक नज़ारा है, बहुत ही खतरनाक, इतना खतरनाक कि जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाए।